सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले एयर इंडिया में कैबिन क्रू की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल आप सभी को बताने वाले हैं। आप सभी को बता दें, ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे केवल 12th पास रखी गई है। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी प्रोसेस के बारे में पता चल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही मैं आप सभी को बता दें, बहुत सारी जॉब अपडेट ऐसी होती हैं जिन्हें हम यूट्यूब चैनल पर अपडेट नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि हर एक जॉब अपडेट के बारे में आप सभी को वहां से पता चल पाए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और यहाँ पे आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी प्रेजेंट में हम एयर इंडिया के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे हैं, जहां पे आप देखेंगे करंट ओपनिंग में आप देखेंगे तो यहां पे कैबिन क्रू की वैकेंसी निकाली हुई है। पोजीशन यहां पे आप देख सकते हैं, साथ ही में यहां पे जॉब ओवरव्यू भी आप सभी को दिया गया है। अब इसके आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आपके पास इंडियन पासपोर्ट, इंडियन पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे अगर हम बात करें, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 22 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी एज 32 साल तक होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में बात कर लेते हैं यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीटेड क्लास 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो यहाँ पे 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है कि यहाँ पे 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मिनिमम हाइट की बात की गई है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वहीं पे मेल कैंडिडेट के लिए 172 यानी 172 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसी के प्रोपोर्शन में आपका वेट होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे देखेंगे बीएमआई रेंज के बारे में बताया गया है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 22 और मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल रखी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आप अपनी यूनिफॉर्म पहने तो यहाँ पे कोई भी टैटू आपकी बॉडी पे कहीं नहीं दिखना चाहिए, तभी आप अप्लाई करें। अगर ऐसा कोई टैटू है जो कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद भी दिखेगा, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही में यहाँ पे फ्लुएंट इन इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन आपको दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो यहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन आपके पास रखा गया है। ऑन द डे यानी डे का जो रूटीन रहेगा उसके बारे में आपको बताया गया है, जैसे वेस्टर्न फॉर्मल्स आपको पहनने होंगे, वो सारी चीजें दी गई। साथ ही में यहां पे स्किल्स के बारे में आप सभी को बताया गया, और यहां पे कुछ की रिस्पांसिबिलिटीज हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। साथ ही में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो ड्यूटीज रहेंगी उसके बारे में भी आपको क्लियर किया गया है, जैसे कि यहां पे अटेंडिंग मैंडेटरी प्री फ्लाइट ब्रीफिंग वगैरह के बारे में आप सभी को बताना होगा, वो सारी चीजें आप सभी को क्लियर की गई हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताया गया है कि क्लिक ऑन अप्लाई नाउ एंड सेंड अस योर रिज्यूम एंड अदर डिटेल्स। तो यहाँ पे आप क्लिक अप्लाई नाउ पे करके आप अपनी डिटेल्स और रिज्यूम यहाँ पे भेज सकते हैं, और यहाँ पे ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को मेल रिसीव होगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो सभी कैंडिडेट को अगले प्रोसेस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे, केवल उन्हीं लोगों को मेल रिसीव होगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे कैसे फिल करना होगा। सबसे पहले स्क्रीन पे जो आपको वेबसाइट दिख रही है, इसे गूगल ब्राउजर में सर्च करें, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप में गूगल ब्राउजर ओपन कर लें, और यहाँ पे आपको टाइप करना रहेगा studyfordreams.in। तो जैसे आप ये वाली वेबसाइट सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है स्टडी फॉर ड्रीम्स होम, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, तो जहाँ पे सबसे पहले आपको एयर इंडिया 12th पास वैकेंसी नो एग्जाम नो फीस दिख रहा होगा, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको नहीं मिलता है तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया गया है, इसमें आपको एयर इंडिया सर्च कर देना है। तो एयर इंडिया जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है, जिससे कि इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसकी डिटेल्स ऑलरेडी मैं आप सभी को दे चुका हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ कन्फर्म करना है तो दोबारा से यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन
ऑन करने पे ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक और नोटिफिकेशन की लिंक आपको मिल जाती है। तो फर्स्ट वाली जो लिंक आपको दिख रही है क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एयर इंडिया की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जहां पे कैबिन क्रू की वैकेंसी निकाली गई है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहें तो पूरी इंफॉर्मेशन को रीड आउट करके नीचे आपको जो ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई नाउ, आप यहां पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो ओपन हो जाएगा, जिसमें अपनी जो पूरी डिटेल्स है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल हुई दिख जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे फिल किया हुआ है। जैसे यहाँ पे जो लोकेशन रहेगा इंटरव्यू की, तो लोकेशन यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो भी लोकेशन आपको सूटेबल हो। यहाँ पे कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर में इंटरव्यू लोकेशन रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे अपना जो रिज्यूम रहेगा वो आपको अटैच करना है। उसके बाद टाइटल, फर्स्ट नेम जो भी है, मिडिल नेम है तो डालें, अगर नहीं है तो आगे करें, लास्ट नेम आपको डालना होगा और अपना जेंडर, साथ ही में अपनी एज, यहाँ पे हाइट कितनी है, 172 की बराबर है या उससे ज़्यादा है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करें मेल कैंडिडेट के लिए, उससे कम है तो सेकेंड वाला। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए सेम है, 157 सेंटीमीटर हाइट है या उससे ज़्यादा है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, अदरवाइज लास्ट वाला आपको चूज करना है। फिर उसके अलावा आपको जो वेट होगा वो यहां पे डालना है, और अगर आपका कोई विजिबल टैटू है यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो दिखेगा तो यस करें, अदरवाइज नो करना है। यहां पे अपनी जो नागरिकता होगी इंडियन यहां पे डाल देनी है, और अभी एट प्रेजेंट टाइम जिस सिटी में आप रहते हैं वो आपको डालना होगा। साथ ही में यहां पे अपना मोबाइल नंबर, कम्युनिकेशन, मेल आईडी, साथ ही में यहाँ पे पूछा गया है वैलिड इंडियन पासपोर्ट, अगर है तो यस करें अदरवाइज नो करें। पासपोर्ट अगर नहीं है तो 000 या 400 डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो वैलिड पासपोर्ट में अगर यस डालते हैं तो इसके बाद पासपोर्ट नंबर आपको डालना होगा। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो जब आप नेक्स्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें जैसे कि इसमें छूट गई हैं तो आपको ये फिल कर देनी है। तो फिल करने के बाद आप इसे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आगे भी आपको करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे ही आप इसे पूरी डिटेल फिल कर देंगे तो आगे जब आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। जैसे कि आपने कभी एयर इंडिया में काम किया है तो यस करें, नहीं किया है तो नो करें। यहाँ पे अगर कैबिन क्रू का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करें, अदरवाइज नो करें और इसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आएंगी, जैसे प्रेजेंट एम्प्लॉयर अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो यस करें, अदरवाइज नो कर सकते हैं। और यहाँ पे आर यू कैबिन क्रू तो हैं, और अगर एक्स रहे हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करके फिर से नेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी की जो डिटेल्स होंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे हो गया तो इसमें हायर सेकेंडरी, ट्वेल्थ पास हैं तो डालें, ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट डालें, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे कि 12th पास से वैकेंसी है तो 12th पास, तो यहाँ पे 60% से ज़्यादा ही होना चाहिए, 60% कम से कम मांगा गया है तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपको चूज करना है। साथ ही में जो अपना फोटोग्राफ रहेगा वो यहाँ पे आपको अटैच करना है, और उसके बाद जो डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिख रहा है येस और आई एक्नोलेज पे येस करना, और यहाँ पे येस डाल के इसे सबमिट कर देना है। इस तरीके से आपका जो फॉर्म होता है कंप्लीट सबमिट हो जाता है। तो 3 स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट होगा, अलग अलग पेज आपके यहाँ पे ओपन होते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिए और सारी चीजें आपको एकदम से क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप प्राइवेट जॉब देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट studyfordreams.in पे जाके भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे बहुत सारी जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन कंटिन्यू आप सभी को सबसे पहले मिलते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। So thank you for watching. Jai Hind, Jai Bharat.